जहां नॉमिनेशन का अंतिम दौर आ पहुंचा है, वहीं उम्मीदवारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अंगड़ाई लेने लगा है। इसकी वानगी नवसृजित मेदनी नगर नगर निगम क्षेत्र के रेड़मा स्थित वार्ड नंबर 17 में देखने को मिला, जहां पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि राजेश दुबे और उप मुखिया अभिषेक तिवारी के बीच आमना सामना हो गया है। दरअसल राजेश दुबे ने अभिषेक तिवारी को डमी कैंडिडेट बताया था, जिसके बाद अभिषेक तिवारी ने हमलावर तेवर अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को नामांकन भरने से पूर्व कैपिटल ने उनसे बातचीत में मुखिया अभिषेक तिवारी ने राजेश दुबे को उनकी हकीकत बताने का चैलेंज दिया है। अभिषेक की माने तो रेड़मा गांव की जनता के बदौलत ही राजेश दुबे की पत्नी रीमा देवी को वोट के रूप में सम्मान मिला था। उसके बाद प्रमुख बनने के बाद भी पंचायत को उस पद का कोई फायदा नहीं मिला, इस लिहाज से उन्हें जनता के पास वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। साथ ही उप मुखिया ने नॉमिनेशन के दौरान अपनों को साथ चलने के लिए आमंत्रित भी किया। कल हमारा 10 बजे से घर पर हमारा सबका स्वागत है, पहला कर रहा हूँ अपने ग्रामीण को। उसके बाद 11 बजे नॉमिनेशन है के लिए प्रस्थान करेंगे हम लोग कचहरी में, और हमारे साथ पूरा रेड़मा उत्तरी पंचायत जो अभी है उसके सभी जनता जो हैं वो साथ में चलेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन डमी है। ऐसा जो हमारा रेड़मा जो उत्तरी है, जो जिसको 2 बार अच्छे पद पर जो बैठाया, और अच्छे पद पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जो मुझे डमी बोलते हैं, कि एक रेड़मा उत्तरी में एक योजना जो उन्होंने करवाया उसे मुझे बता दे। उन्होंने सिर्फ अपना और खुद अपना विकास किया है, रेड़मा का विकास नहीं किया है, वो डमी कहते हैं। तो मुझे तो सोचना पड़ता है उनके बारे में और उनकी मानसिकता के बारे में। मुझे तो लगता है कि अगर ज़्यादा प्रमुख के पद पर रहते हुए और उनका हस्बैंड होते हुए अगर वो चाहे तो उपमेयर में लड़ते, उनको पता चल जाता क्या है। और आज जो अफवाह जो फैला रहे हैं डमी का, हमें तो लगता है कि डमी कहीं वो मत बन जाए।